हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ सोलर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड लेके आ रहा अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ, तो आज के दिन फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। बट हमें इस आईपीओ में थोड़े से इक्विट वाले पॉइंट देखने को मिले जिसे हम स्टडी करेंगे। बट एट द एंड जिस तरीके से फाइनल रैंकिंग बनेगी, उसी के बेस पर जो मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा बेस्ड ऑन द इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, वो मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा और हमारे दिल्ली के शो पर भी अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो या SWP हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एक कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ यू पीवीसी पाइप्स एंड रिजिड पीवीसी इलेक्ट्रिक कंड्यूस एंड मार्केट करती है उनको अंडर द ब्रांड नेम बाल्को पाइप्स। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली है केरला में और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली है तमिलनाडु में। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो अप्रूव किए जाते हैं वेरियस अथॉरिटीज लाइक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और आल्सो बाय ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि CPWD ऑफ चेन्नई एंड कोच्चि, MES इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, PWD ऑफ केरला एंड तमिलनाडु एटसेट्रा। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट्स को मेनली इन द स्टेट ऑफ केरला। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर सोलवेंट सीमेंट, वाटर टैंक यानी कि पानी की टैंकियां, गार्डन होसेस एंड रिजिड पीवीसी इलेक्ट्रिकल केबल्स पीवीसी पाइप। कंपनी के पास टोटल ऑफ 165 एम्प्लॉइज होने वाले हैं एक्सक्लूडिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम होने वाला है, एक अच्छा सेगमेंट होने वाला है। बट कंपनी का कहना है कि सबसे पहली बात तो कि इस फील्ड में हमें काफी ज्यादा हाईली कम्पिटिटिव देखने को मिलता है और वहां पर काफी बड़ी बड़ी कंपनीज वेल सेटल्ड होने वाली है, तो ऐसे में फ्यूचर में उनको कंपटीशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। चाहे वो वेल सेटल्ड हो जाए, कोई नई कंपनी आती है, नया प्लेयर आता है, तो वहां पर हमें उस चीज को भी फेस करना पड़ सकता है जिससे हमारी कंपनी पर इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ ग्रुप कंपनीज होने वाली हैं, जहां पर वो कंपनीज लॉस कर रही हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी कुछ अदर्स होने वाले हैं पॉइंट्स जो नॉर्मली हर आईपीओ में हर कंपनी में हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आप उन्हें स्टडी करना चाहते हैं तो कंपनी के DRHP को स्टडी कर सकते हैं। बट मैंने मेनली आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश कर दी है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 13th अगस्त को, क्लोज होगा 16th अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 19th अगस्त को, रिफंड मिले शुरू हो जाएंगे 20th अगस्त से और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 20th अगस्त को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 21st अगस्त की, फेस वैल्यू रहेगी ₹10 पर शेयर की, प्राइस होगा ₹91 पर शेयर का, लोड साइज होने वाले 1200 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 11.85 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो रिटेल कैटेगरी में 50% का और HNE में भी 50% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी ₹1,09,200 की। HNE कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम अमाउंट पड़ेगी ₹2,18,400 की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मिस्टर सुधीर कुमार बालाकृष्णन नेयर, मिस्टर सुशील बालाकृष्णन नेयर एंड मिस्टर बालाकृष्णन नेयर कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 90.22% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 49.87% की, मतलब कंपनी के पास मेजोरिटी नहीं रहेगी, जो इस कंपनी का हमें अनदर मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर 2022 में थे टोटल असेट 18 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गया 22 करोड़ के। ज्यादा ग्रोइंग रेट नहीं है, बट एक छोटी सी सस्टेनेबिलिटी हम बोल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं 2022 में था 55 करोड़ का, 2023 में 62 करोड़ का, बट 2024 में डिप देखने को मिला और 47 करोड़ के ही रह चुके थे, जहां पर हमें दिक्कतें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 40 लाख का लॉस, हाउएवर 2021 में भी कंपनी को लॉस था,
2023 मेरा 1.2 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में पहुंच चुका है 1.42 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी के रेवेन्यू कम हुए हैं, बट जहां पर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 2024 में, जो एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को बढ़ाया है, जिसकी वजह से शायद कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ हो, ये एक पॉइंट हो सकता है। बट हाउ एवर कंपनी के प्रॉफिट में हमें ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं 4.38 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.3 करोड़ का, टोटल बोरोइंग कंपनी के पास 11.36 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में जहां पर अच्छे नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमें रेवेन्यू में कमी देखने को मिली है और वहां पर इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ताकि ये परचेज कर सके एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी को, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इश्यू एक्सपेंस को मीट आउट करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 39.75 करोड़ की, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 15% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 6.36 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.13 का, पी प्री आईपीओ 3.92 की, पोस्ट आईपीओ 3.424 का कम है, पी प्री आईपीओ 23 की, पोस्ट आईपीओ 28 की। फंडामेंटली बात करते हैं, फंडामेंटल हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इतनी दिक्कतें देखने को नहीं मिली। हाउएवर अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर कैप्टन पाइप जिसका पी है 67.81 का, रुंगटा इरिगेशन 22 का पी, ड्यूट्रॉन पॉलीमर्स 42.97 का पी, एक पाइप सैंड पॉलीमर 24 का पी। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इस कंपनी का जीएमपी कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, बट आने वाले टाइम में उम्मीद है कि हमें थोड़ा बहुत तो एक्शन यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। हाउएवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो फिर से कंपनी जिस वैल्यूएशन पर आईपीओ ला रही, काफी हैवीली वैल्यूएशन होने वाली है, जिसकी वजह से किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर कोई भी फाइनल डिसीजन बनेगा। बट फिर भी हमने यहाँ पर कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट या टिप, किसी भी तरीके की हमने यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।